तो हाँ जी दोस्तों नमस्कार, आप देखो जी एस एम ऑन, मैं हूं काश। आज करेंगे अनबॉक्सिंग मोटो एक्स फोर की। तो चलिए पहले वो वीडियो देखिए, बाकी बात करेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे। हेलो मोटो, दोस्तों यहां पर पहले मैं आपको दिखा रहा हूं फ्लिपकार्ट का वो पैकेज जो हमें मिला था, हमने ओपन किया था, वीडियो बनाई थी आपके लिए अनबॉक्सिंग की, पर वहां पर नोकिया 2 और मोटो एक्स 4 के बीच में वहां पर डाटा थोड़ा सा मतलब कि मेरे अपनी गलती से डिलीट हो गया। पर चलिए दोबारा अनबॉक्सिंग कर देते हैं, उसमें कोई नहीं, डिवाइस तो वही है, बाकी सब कुछ वही है। आगे से मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगा कि ये गलती मुझसे ना हो। तो अगर हम देखते हैं डिवाइस के डब्बे की तरफ, तो यहाँ पर हमें मिल जाती है मोटरोला की ब्रांडिंग, साइड में नीचे लिखा मिल जाता है बॉटम पे मोटो एक्स 4। अगर दूसरी साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे लेनोवो देखा मिल जाएगा लिखा आपके सामने, और मोटो एक्स 4 लिखा मिल जाएगा। लेनोवो ने यहाँ पे होल्ड किया है मोटरोला को, और सारी डिवाइसेज यहाँ पर आती हैं मोटरोला की तरफ से। प्राइस की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट के ऊपर मुझे जो प्राइस नॉर्मल है वही मिला है, और थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट मिला है और कुछ भी नहीं। और मैं दिखाऊंगा आगे कैसे इन्होंने मेरे ऑर्डर को डिले किया, कैंसिल किया। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो स्टार वैल्यू की, अगर बात करें डिवाइस की 0.521 वॉट पर केजी मिल जाता है हेड के लिए, और अगर बात करें बॉडी के लिए तो यह 1.160 वॉट पर केजी। तो यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हो कि कैसे ये डिवाइस हमें यहाँ पर मिलती है और क्या इसकी सार वैल्यू है, क्योंकि आप सभी लोग पूछते हो कि सार वैल्यू भी बताए कीजिए, तो मैंने इस बार बता दी। तो डब्बे को अगर हम यहाँ पर ऐसे खोलते हैं तो मिलता है कुछ ऐसे हमें मोटो एक्स 4, जो कि स्पीकर मैंने दोबारा लगाया है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ डिवाइस में हमें क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे इसके फीचर दिए गए हैं। वैसे तो आपको पता होगा, पर चलिए हम इसे देखते हैं। 12 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ, जो कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये वाइड एंगल वाला कैमरा है। उसके बाद अगर बात करें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, वाटर रेजिस्टेंट है यहाँ पे IP68 के साथ, क्वालकॉम का यहाँ पे स्नैपड्रैगन मिलता है 630, जो कि नोकिया 7 में भी यही यूज किया गया है। 3D ग्लास यहाँ पे बिल्ड हमें मिलती है। अगर कॉर्निंग ग्रिल्ला ग्लास की बात करें तो यहाँ पर हमें मिल जाती है कॉर्निंग ग्रिल्ला ग्लास 3 की सपोर्ट। उसके बाद मोटो एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर मुझे जो पता चला कि Amazon Alexa भी हमें इसमें मिलेगा, तो हम टेस्ट करेंगे और उसकी भी वीडियो अलग से बनाएंगे, देखेंगे। जैसे आपको पता ही है कि हम कुछ ज़्यादा ही वीडियोज़ बनाते हैं डिवाइसेज की, और कैसे बनाते हैं, तो चलिए उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। डिवाइस को मैं साइड पर रख देता हूँ यहाँ पर, और डब्बे में या बॉक्स में क्या मिलता है मैं आपको रिवील कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। सिम टूल इजेक्टर टूल मिलेगा, साथ में कुछ गाइड मिलेगी, मैनुअल गाइड मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। चार्जर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक टाइप सी वाला फास्ट चार्जर मिल जाता है, टाइप सी केबल मिल जाती है, और यहाँ पर हैंड फ्री मिल जाते हैं एक नॉर्मल क्वालिटी के। मैंने अभी तक कभी मोटोरोला के हैंड फ्री यूज नहीं किए, क्योंकि पहले डिवाइसेज यूज करते थे, अभी हम नहीं करते, तो ऐसे कुछ यहाँ पर हमें हैंड फ्री मिलते हैं, आप चेक कर सकते हो। सैमसंग के टाइप के ये हेडफोन है, जैसे मुझे लगता है वही साउंड क्वालिटी होगी, ये हम चेक करेंगे बाद में। चार्जर की अगर यहाँ पर बात करें तो 5V 3A की रेटिंग के साथ हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो चार्जर है 5V 3A की रेटिंग के साथ हमें यहाँ पर मिलता है, आप देख सकते हो नीचे लिखा गया है। और अगर बात करें क्विक चार्ज 3.0 की सपोर्ट मिलेगी यहाँ पर, 9V 1.8A का हमें मिल जाता है, 12V 1.6 समथिंग की यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल जाती है। में डिवाइस को हमने अभी तक बूट भी नहीं किया है, ना हमने यहाँ पर कुछ और किया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये कितना टाइम लेता है बूट में सब में। उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ, आप वो भी चेक कर लीजिए, उसके बाद डिवाइस को बूट करेंगे और सारी फीचर हम यहाँ पर इसकी जानेंगे। अगर डिवाइस को सामने की तरफ से देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है LTPS IPS LCD पैनल, जो कि 5.2 इंच का है, सेंटीमीटर में बात करें तो 74.5 सेंटीमीटर है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें 68.4% मिल जाती है। रेजोल्यूशन यहाँ पर हमें मिल जाता है पिक्सल में 1080x1920 पिक्सल का। रेशियो में बात करें तो 16:9 रेशियो के डिस्प्ले 424 PPI डेंसिटी के साथ मिलती है, जो कि
पिक्सल पर इंच होता है। मल्टी टच की सपोर्ट मिलती है और सामने मिलती है देखने को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की सपोर्ट। तो अगर यहाँ पर हम सामने की तरफ कैमरा की बात करें, जो सेल्फी कैमरा दिया गया है डिवाइस में, वो है 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि फ्लैश के साथ हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग की या पिक्सल की, तो 1080 पिक्सल के ऊपर आप फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हो। ये LED फ्लैश है, ड्यूल LED फ्लैश यहाँ पर ये नहीं है। पिक्सल के साइज की बात करें 1.0 mm साइज मिल जाता है। अपार्चर की बात करें तो f2.0 का अपार्चर हमें मिलता है, तो बढ़िया इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। फिंगरप्रिंट यहाँ पे हमें सामने देखने को मिल जाता है, जो कि अभी बहुत ही कम डिवाइसेज में मिल रहा है, पर मोटोरोला ने ये इसे अभी ऐसे ही रखा है G5 की तरह डिवाइस में, सेम हमें सामने की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। साथ में मिलता है हमारा मेन माइक। और उसके बाद बात करें अगर हम साइड्स की, लेफ्ट साइड की डिवाइस की बात करें, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, प्लेन एल्युमिनियम का जो पैनल है वही देखने को मिलता है। बात करें हम राइट साइड की, तो यहाँ पर हमें पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाते हैं। जो पावर बटन है उसकी फील काफी बढ़िया है, और अगर आप इसे प्रेस करते हो या फिर टच करते हो तो फील होता है काफी बढ़िया। अगर नीचे की तरफ आ जाए, हम यहाँ पर मिलता है टाइप सी 1.0 यानी वर्जन 1 वाला रिवर्सेबल कनेक्टर, जो USB ऑन दी गो OTG सपोर्टेड है और फास्ट डेटा ट्रांसफर में आपकी मदद करेगा। साथ में आपको मिल जाता है 3.5 mm हेडसेट जैक, जो कि आपके नॉर्मल हेडफोन आप कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आ जाएं, आप देख सकते हो सेकेंडरी वॉइस कैंसलेशन वाला माइक या फिर लाउड स्पीकर के वक्त जो हम माइक यूज करते हैं वो वाला। सेंटर में मिलते हैं एंटीना बैंड लाइन। उसके बाद अगर बात करें सिम ट्रे की, तो ये सिंगल सिम या फिर ड्यूल सिम आप यूज करोगे, नैनो सिम ही साथ में यूज होगा। सिम ट्रे है जो यहाँ पर हमें, जैसे मैंने आपको बताया, हाइब्रिड मिल जाती है, या एक सिम एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो, या दोनों सिम एक साथ आप यहां पे यूज कर सकते हो। तो हाँ जी, अगर आते हैं हम दोस्तों पीछे की तरफ, आप देख सकते हो यहां पे ग्लास या फिर प्लास्टिक का पैनल। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे ये साउंड से प्लास्टिक लग रहा है, फील से ग्लास लग रहा है। तो स्मूथनेस ग्लास की है, साउंड प्लास्टिक का है, पर पता नहीं ये क्या है, जो भी है बढ़िया है, क्योंकि आपकी डिवाइस को पूरी प्रीमियम लुक दे रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो खुद फील कर रहा हूँ मैं वही आपको बोल सकता हूँ। उसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे मिलती है मोटोरोला की ब्रांडिंग, नीचे आपको मिलता है एक वॉइस कैंसलेशन माइक या फिर एक्स्ट्रा माइक जो भी आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ जो मेन यहाँ पे आपको दिया गया है ड्यूल कैमरा, साथ में ड्यूल LED फ्लैश। एक कैमरा इसका आएगा 12 मेगापिक्सल का, दूसरा आएगा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल के साथ। यहाँ पर आप बोके शॉट, ब्रश शॉट, पोर्ट्रेट मोड जो भी आप इसे बोलो वो शॉट ले सकते हो, जिसके लिए डिवाइस कैपेबल है। तो यहाँ पर एक और बात करते हैं, जो बैटरी है वो है 3000 mAh की बैटरी जो यहाँ पर आपको मिलती है, क्विक चार्जिंग 3.0 की सपोर्ट के साथ, नीचे जैसे आपको मैंने बताया। अगर और बात करें Amazon Alexa यहाँ पे मिल जाता है, फिंगरप्रिंट मतलब कि इसका काफी बढ़िया काम करता है, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे और जानेंगे कैसा है इसका सॉफ्टवेयर पार्ट, और थोड़ी सी और बात आगे करेंगे और बढ़ेंगे। तो हाँ जी, यहाँ पर आप देख चुके हो कैमरा फीचर देख लिया, सारा कुछ आपको मैंने दिखा दिया। अगर यहाँ पे बात करें लेफ्ट स्लाइड करता हूँ, तो हमें यहाँ पे गूगल असिस्टेंट मिल जाता है। उसके बाद बात करें स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, तो गूगल की एप्स यहाँ पे हमें इंस्टॉल मिल जाती है। तो इसको मैं ज्यादा कंपेयर करूंगा नोकिया एंड्रॉयड के साथ, जो कि वो भी स्टॉक में आता है। तो देखेंगे क्या मोटोरोला ने अलग दिया है, जो मुझे मोटो यहाँ पे लिखा मिल रहा है आप देख सकते हो, इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा फीचर लगा है कि हाँ कुछ ये अलग हो सकता है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम करूंगा, फिर हम देखेंगे कि नोकिया से अलग क्या मोटोरोला स्टॉक में हमें देता है और क्या फीचर बढ़िया मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे। तो हाँ जी दोस्तों, पहली बार मैं मोटोरोला की किसी डिवाइस का रिव्यू कर रहा हूँ आपके सामने। मैं खुद पहली बार काफी सालों के बाद ये डिवाइस यूज कर रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा एक्सपीरियंस मेरा होगा, यानी कि बहुत बढ़िया। मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रीमियम डिवाइसेस की तरह मोटोरोला का, क्योंकि डिजाइन सेम है, G5S की बात करें या जो इनकी लास्ट डिवाइसेस आई थी, डिजाइन सेम है, यहाँ पर सब कुछ सेम मिलता है, थोड़ी सी अपग्रेडेशन है। अगर बात करें क्वालकॉम का 630 CPU डाला हुआ है, नोकिया 7 में भी वही है,
पीछे जो मैंने आपको बताया, मुझे नहीं पता अपनी तरफ से कि इसमें ये ग्लास है प्लास्टिक है, वो चीज मैं आपके साथ पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो अभी हम बात करते हैं, आप इसका हम टेस्ट करेंगे, सभी टेस्ट करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले आप मुझे बताइए कौन सा हम टेस्ट इसका ऊपर करें। दो पोल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, पहले पोल में आपको बताना होगा कौन सी डिवाइस के साथ, नोकिया 7, ओप्पो आर 11, ऑनर 9i, ऑनर 7x। उसके बाद कौन सा रिव्यू आप देखना चाहते हो, गीक बेंच, कैमरा रिव्यू, स्पीड टेस्ट, जो भी हम ऑप्शन आपको देंगे वो जो हम नॉर्मल करते हैं, तो आप वहां पे पोल कर दीजिएगा, वोट कर दीजिएगा, उसी के हिसाब से इसका हम रिव्यू करेंगे जैसा आप चाहोगे। तो डिवाइस बढ़िया है, प्रीमियम लुक देता है, प्राइस रेंज में अगर देखें 23,000 की ऑलमोस्ट डिवाइस है, तो मतलब कि बढ़िया पैकेज आपको मिलता है। कैमरा की बात करूं, मैनुअल मोड आपको मिल जाता है, ज्यादा मैं यहां नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, जितना आपको दिखाया आप देख चुके हो। मैनुअल मोड, पोर्ट्रेट मोड आपको मिल जाता है, काफी चीजें मिल जाती हैं जो कि काफी बढ़िया काम करती हैं। तो यहां पर अभी हम वीडियो खत्म करते हैं, जैसे आपको बताया है पोल में वोट कर दीजिए, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करना नीचे मत भूलिएगा अपने सजेशन और सुझाव, और कोई भी अगर क्वेश्चन है इस डिवाइस के रिगार्डिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो, साथ में दबा दीजिए वो बेल आइकन ताकि जब भी हम ऐसी नई वीडियो आपके लिए डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले और आप देखें वो वीडियो सबसे पहले। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो बेल आइकन पे जाइए, दोबारा दबाइए, नीचे जाइए ऑप्शन में, तो वहां पर ऑल पे टिक कर दीजिए, ओकेशनली से हटा दीजिए, आपको भी नोटिफिकेशन आने लगेगा जीएसएम ओरियन की तरफ से जब भी हम ऑनलाइन आएंगे या फिर नई वीडियो डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखो जीएसएम ओरियन, मैं हूं काश, खुश रहिए।